हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में, और ये स्टोन क्यों होते हैं या इसके कुछ अच्छे अच्छे होम्योपैथी जिसे लेके आप लोग इसमें आराम पा सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जानना ज़रूरी होगा कि गॉल ब्लैडर क्या है। मैं सब कुछ जानकारी दूंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। हमारे शरीर का राइट साइड में जो लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा नाशपाती के आकार का एक अंग होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ना जो लीवर बाइल प्रोडक्ट करता है उसे स्टोर करता है। अच्छा, बाइल हमारे हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो कई बार क्या होता है कि जितने बाइल वहाँ पे स्टोर हुआ होता है वो पूरा नहीं निकल पाता है किसी कारण से, तो जो उसके बाद जो बचा हुआ बाइल होता है वो निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है उसको, तब वो वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, जिसे हम गॉल स्टोन कहते हैं या पित्त में पथरी कहते हैं। और कई बार जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब भी ये बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल मिलके भी क्रिस्टल बना देते हैं गॉल ब्लडर में। तो इसके कारण से कई बार हमारे बहुत सारे शरीर में पेन होना या कई तरह के लक्षण दिखने शुरू होते हैं, जैसे बदहजमी होना, डकार आना, खट्टी डकार जिसे बोलते हैं वो आना, उल्टी आना, चक्कर आ जाना और बहुत सीवियर पेन। जनरली राइट साइड में ही होती है, पर कई बार दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ही पेन रह सकते हैं। पेट बिल्कुल भारी भारी सा हुआ रहता है, इस तरह के कंप्लेन हम लोग को देखने को मिलता है। होने का कारण क्या है कि एक तो सेडेंटरी लाइफ लीड करना, या फिर जिनका थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा होते हैं उनको होता है, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है उन्हें होती है, या कई दिनों तक बहुत लंबे कोई बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें भी ये होने की चांसेस होती है। और कई बार जो मैंने कहा जो अगर लंबे टाइम तक बीमार रहे और उनकी जो दवाई लिया उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये हो सकते हैं। डायबिटीज जिनको है उनको भी ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और जैसे शरीर पीला पड़ जाता है, आंखों के नीचे पीला हो जाता है, स्किन पीला पीला दिखने लगता है, ये सब सिम्टम हमें देखने को मिलता है गॉल ब्लैडर जब स्टोन हो जाते हैं। तो इसके जब हम और मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सर्जरी ही एकमात्र उपाय होती है, लेकिन हमारे होम्योपैथी में कई बार हम लोगों ने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दिखा है कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हम मेडिसिन आपको बता रहे हैं ये अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो लेने से कई बार देखा जाता है कि ये स्टोन पिघल जाते हैं, गल जाते हैं अंदर ही अंदर और फिर एकदम से ठीक हो जाते हैं। तो इसके सबसे बेस्ट मेडिसिन में आती है बर्बरिस वल्गरिस। बर्बरिस वल्गरिस का मदर टिंचर लेना है, और मैं एक कॉम्बिनेशन बता दे रही हूँ, इसमें तीन मेडिसिन लेना है। बर्बरिस वल्गरिस लेना है, चेलिडोनियम लेना है और कार्डुअस माइंस लेना है। तो जो बर्बरिस वल्गरिस का क्या होता है कि कहीं भी हमारे शरीर में अगर स्टोन होते हैं या सिस्ट होते हैं वहाँ पे ये बर्बरिस बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में पेन रहती है, बहुत सीवियर पेन हो सकता है, एक हेवीनेस रहेगा, इस तरह के अगर सिम्टम देखते हैं तो वहाँ हम बर्बरिस दे सकते हैं। चेलिडोनियम के मामले में क्या है ना कि ये राइट साइड में पेन होती है बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और एक प्रीवियस हिस्ट्री में देखते हैं कि हम जॉन्डिस
हुआ रहता है, या अगर जॉन्डिस ठीक भी हो गया है तो उसके बाद भी आंखों के अंदर काला पीला पीला होना, या स्किन का कलर पीला पीला दिखना, टंग बिल्कुल पीला हो जाना, और जो टंग के चारों तरफ जो होते हैं वहाँ पे ये टिक का इम्प्रेशन, मतलब दांतों के निशान पड़े होंगे और जीभ बहुत मोटे मोटे से होंगे, कॉन्स्टिपेशन भी इसके रहते हैं, और जो स्टूल होगा वो स्टूल क्ले कलर का होगा, ये चेलिडोनियम का सिम्टम होते हैं। और कार्डियोस के बारे में क्या होता है कि इसके भी देखा जाता है कि पेन हो सकता है कि पूरे एब्डोमेन में भी रह सकते हैं, या राइट साइड में भी पेन होते हैं, लेकिन इसके भी वही कॉन्स्टिपेशन रहेंगे, पेन रहेगा, एक खट्टे डकार आना, बदहजमी होना, इनके ये सब सिम्टम है। तो हम ये तीनों मेडिसिन का मदर टिंचर लेंगे, मदर टिंचर लेके आएंगे, कोई भी मेडिकल स्टोर, होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, या तो तीनों को आप एक साथ किसी 100 ml का, जैसे आप 30 30 ml ले लिया और 100 ml के बॉटल में मिक्स करके रख लिया, या आइदर आप ये कर सकते हैं जब आपको मेडिसिन लेना होगा तो तीनों में से 5 5 ड्रॉप्स ले लें, लेके 1/4 कप वाटर के साथ में, थोड़ा अगर हल्का गुनगुना पानी हो तो बेटर है, लेके आप इसे दिन में 3 बार लीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। कई बार देखते हैं कि हो सकता है कि आप 2 2.5 महीने के अंदर ही आपके जो गॉल स्टोन है वो पिघलने लगते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन आता है कोलेस्टिनम, कोलेस्टिनम 3X। मैंने पहले ही बताया कि कई बार कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी हमें गॉल स्टोन होने की चांसेस रहती है, तो कोलेस्ट्रिनम 3X दो दो टैबलेट्स दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और 1 बार नाइट में ले लें। इस तरह से इसे भी आप करीब 2 3 महीने तक आराम से ले सकते हैं। लेने के बाद एक बार आप फिर से USG करा के देख लीजिए कि कहीं कितना आपको आराम मिला है, तो देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें आपको आराम मिल जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।